हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसी रेकी हीलिंग ग्रैंड मास्टर टीचर हूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 11/11 पोर्टल के बारे में। तो हम सभी को पता है 11/11 पोर्टल यानी कि 11th of November, और ये जो पोर्टल है यह हम एंजेलिक नंबर से भी कनेक्शन करते हैं। 11/11 क्या होता है? 11/11 हमारा न्यू बिगिनिंग शो करता है, ठीक है। तो इस दिन, ये जो दिन होता है 11/11 यानी कि 11th of November, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो भी चीज़ के लिए आप सोचते हैं, जो भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपके ज़िंदगी में आना ही आना है। भले कुछ समय लगे, भले ही आप इस तरीके से सोचें कि एक दो महीने के अंदर आ जाए या एक दो साल के अंदर आ जाए, लेकिन जब भी आना होगा ये आपके लाइफ में आकर ही रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसला लें कि आपको अपने ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहिए। हो सकता है कि आप क्लैरिटी में नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं। अगर इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो वो चीज़ तो आने ही वाली है, और आप जब जो चीज़ आप अभी चाह रहे हैं लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपके पास नहीं है, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि प्लीज़ अपने माइंड में पहले क्लैरिटी लाएं कि आपको क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना है, और उसके बाद ही ये 11/11 पोर्टल यानी कि 11th November में जो भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करना चाहते हैं वो टेक्निक्स आप कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई क्लैरिटी की। अब कोई भी एक चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए, वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। वो चीज़ के बारे में आपको सोचना है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है कोई एक चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आपने क्लैरिटी लाया कि आपको क्या चीज़ चाहिए एंड वो आपके लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड, आपने एक चीज़ के बारे में रखा है, दैट मीन्स आपका फोकस एक ही जगह पर है, ठीक है। थर्ड चीज़, हमें करना क्या है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतने सारे टेक्निक्स है कि आप जो भी आपको आपका फेवरेट है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वो टेक्निक के साथ इसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मैं रिकमेंडेशन दूंगी वो ये है कि 11/11 यानी कि 11th of November 11:11 बजे, ठीक है तो AM यूज़ करो या फिर PM यूज़ करो, जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। 11/11 AM या PM, ये दोनों टाइम में से, या फिर आप दोनों में भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब इसमें करना क्या है, आपको मेडिटेशन तो करना ही करना है, ठीक है। मेडिटेशन करके अपने माइंड को काम करना है, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देनी है, और उसके बाद आप जो चीज़ चाहेंगे उसके बारे में आपको विजुअलाइजेशन करना है। लाइक मेडिटेशन में बैठे हो, ब्रीदिंग टेक्निक आप कर रहे हो, जैसे ही आपका पूरा माइंड शांत हो जाता है उसके बाद आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं आपको जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। ये इतना सिंपल है। अब विजुअलाइजेशन करना कैसे है? विजुअलाइजेशन आप 5 मेथड से करेंगे, सॉरी 5 senses के साथ करेंगे। लाइक आप अपने विजुअलाइजेशन में उसे फील करेंगे, उसे देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, आप स्मेल करेंगे, आप टेस्ट करेंगे। तो अपने 5 senses का यूज़ करके आपको विजुअलाइजेशन करनी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको विजुअलाइजेशन करनी है। अब जो लोग विजुअलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं वो सिंपली मेडिटेशन करें, उसके बाद स्क्रिप्टिंग टेक्निक करें, या एफर्मेशंस करना चाहते हैं एफर्मेशंस करें, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी आपको पता है, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बता रखा है स्क्रिप्टिंग टेक्निक कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पर जाके आप स्क्रिप्टिंग के टेक्निक के बारे में जान सकते हैं। अब थर्ड चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप एफर्मेशंस कर सकते हैं। अब एफर्मेशंस को कैसे करना है, 11 बार एक एफर्मेशन आपको बनानी है, ठीक है। एक एफर्मेशन आपने बना लिया है, अब उस एफर्मेशंस को आपको 11 बार लिखना है। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, कौन से टाइमिंग पर आप लिख रहे हैं, सेम टाइमिंग पर आपको डेली लिखना है। अब बात आती है कि कितने दिनों के लिए लिखना है। एक एफर्मेशन हमने 11 बार लिखा है, अब कितने दिनों के लिए लिखना है। 11/11 से स्टार्ट करके हम 12/12 तक सेम एफर्मेशन को लिखते जाएंगे 11 बार, ठीक है। 12/12 को हम लिखने के बाद 13/12 से हम उसे लेट गो कर देंगे, हम उसे छोड़ देंगे, यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे कि डियर यूनिवर्स, मैं ये विश को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ आप इसे मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है तो ये मुझे सेंड कीजिए जल्द से जल्द, मैं रिसीव के पोजिशन पर हूँ, मैं रिसीव कर रही हूँ, इस तरीके से आप बोलेंगे। और जब भी आपको आगे जाके उस विश के बारे में याद आएगी आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है।
तो ये इतना सिंपल है. नाउ आपने ये जो एफर्मेशन है ये आप 11 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक करेंगे. अब विजुअलाइजेशन स्क्रिप्टिंग टेक्निक इसका क्या करना है, इसका तो हम एक ही दिन करेंगे. ठीक है, विजुअलाइजेशन हम एक ही दिन करेंगे और स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी हम एक ही दिन करेंगे. लेकिन अगर आप चाहें तो स्क्रिप्टिंग आप एक दिन करें, विजुअलाइजेशन आप डेली कर सकते हैं 12th दिसंबर तक. ठीक है, ये प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं. अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, कुछ और टेक्निक आपको पसंद है, कुछ और टेक्निक आप करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. अब इसमें होगा क्या, आप हमेशा याद रखिए जो पहले के मैंने रूल्स बताए हैं वो सेम रहेगा. मेडिटेशन आपको करना ही है ताकि आपके थॉट प्रोसेस जो है ना वो नॉर्मल हो सके, आपका माइंड एकदम क्लियर हो सके, आप पॉजिटिव हो सके, आप हाई वाइब्रेशन पर जा सके. मेडिटेशन जब आप करते हैं आपकी वाइब्रेशन एकदम हाई हो जाती है. ठीक है, सो ये रही आज की 11-11 मेथड को किस तरीके से करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया है. 11th नवंबर को किस तरीके से करना है वो मैंने बताया है. अब इसके साथ साथ अगर आप मेरी फ्री मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा. अगर आपको मेरे पास से काउंसलिंग चाहिए, फ़ोन कॉल सेशंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167917644 पर. सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. आई लव यू ऑल, स्टे positive, stay blessed and divine blessings. Bye-bye.